दोस्तों हाल ही में DRDO ने जो वैकेंसी निकाली है 3 तारीख से उसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और आई थिंक सभी बच्चों ने अपने अपने फॉर्म भर दिए होंगे। 2 पदों पर ये वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये लेवल 6 की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन, इसके लिए ITI वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ITI वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है रोजगार पाने का। तो और मैं भी अभी रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे पदस्थ हूँ, तो अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो सभी लोग अपना अपना फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, आइए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों DRDO की जो ये वैकेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ली जा रही है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 1901 है और 2 पोस्ट पे भर्ती ये की जा रही है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए। ये वाली जो पोस्ट है ये लेवल 6 की पोस्ट है और ये लेवल 2 की पोस्ट है। सर्कुलर डेट जो है 23 सितंबर है, यानी इस डेट से पहले जो भी आपकी आयु सीमा है और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फॉर्म फिलिंग की अगर बात करें तो ये 3 तारीख से चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट 23 सितंबर है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की है। चलिए बात करते हैं दोनों पदों में क्या डिफरेंस है। तो जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ये ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए है। इसमें 1075 पोस्टें हैं, आयु सीमा 16 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 3 वर्ष का दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें BSc है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्निकल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पे मैट्रिक्स इसका लेवल 6 रहेगा, बेसिक आपका 35,400 से स्टार्ट होगा और जो भी आपके भत्ते हैं वो सब मिला के आपकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास बनेगी। टेक्नीशियन ए की बात करें तो इसमें 826 पोस्ट हैं, एज आपकी 16 से 28 वर्ष के बीच रहनी चाहिए, बाकी सब सेम है और क्वालिफिकेशन इसमें 10th और ITI पास होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 2 रहेगा और बेसिक आपका 19,900 से स्टार्ट होगा और जो भी आपके भत्ते हैं वो सब मिला के आपकी सैलरी लगभग 23,000 के आसपास बनेगी। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं ITI वाले जो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ITI वाले बच्चों के लिए ये सारी ट्रेड्स हैं, इनमें से अगर किसी एक ट्रेड में आपने ITI करी हुई है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहेगा। दोस्तों पहले बात करते हैं STA B यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और इसमें CBT 1 में 120 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना है होगा। मेंस में यानी CBT 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 90 मिनट का रहेगा और इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही आपका जो है CBT 2 वो लिया जाएगा, जिस भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया हुआ है या जो भी आपका ग्रेजुएशन का मेन सब्जेक्ट रहा है। और इसमें जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो सिलेक्शन है आपका ये CBT 2 के आधार पर होगा। जो CBT 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जब CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा तो 1:8 के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी एक पोस्ट पे 8 लोगों को लिया जाएगा। आइए टेक्नीशियन ए की बात करते हैं, इसमें भी CBT 1 और CBT 2 कंडक्ट कराया जाएगा। CBT 1 जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए में वही मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इन सभी के कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन रहेंगे और जो सेक्शन बी रहेगा इसमें ट्रेड से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे। जिस भी ट्रेड से आपने ITI की हुई है दोस्तों उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना है, तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसमें भी 90 मिनट में आपको ये दोनों सेक्शन सॉल्व करना है। आइए CBT 2 की बात करते हैं, तो CBT 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात ये जो एग्जाम है आपका प्रैक्टिकल स्किल के आधार पर लिया जाएगा, 1-2 घंटे आपका टेस्ट चलेगा, उसके आधार पे आपका जो भी रिमार्क्स रहेंगे वो दिए जाएंगे। दोस्तों टेक्नीशियन ए की जो पोस्ट है इसमें सिलेक्शन CBT 1 के आधार पे किया जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत कम है, मतलब पूरा जो आपका पार्ट है ये, इसमें अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लिए तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ITI वाले बच्चों से मेरा यही कहना है कि अभी से अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। मैं भी रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पे पदस्थ हूँ और मैंने भी डीजल मैकेनिक से ITI करी हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि डीजल मैकेनिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।